2024 की चुनौती, विपक्ष की लामबंदी, विपक्षी मीटिंग के बीच बड़ा फैसला, पीएम उम्मीदवार कितने दावेदार, 2024 की लड़ाई एनडीए बनाम इंडिया। 2024 के चुनाव की सियासी पिच तैयार हो चुकी है और टीमें भी। बीजेपी के नेतृत्व वाली सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए जीत की हैट्रिक लगाने के लिए एकजुट है, तो वही विपक्ष भी एनडीए का मुकाबला करने के लिए इंडिया नाम से नए गठबंधन के साथ तैयार है। यानी कि 2024 की लड़ाई का बिगुल बज चुका है। आगामी लोकसभा चुनाव में सीधे तौर पर एनडीए बनाम इंडिया के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा। वही विपक्षी एकता धीरे धीरे ही सही मगर सीधे हुए कदमों के साथ आगे बढ़ रही है। वही आपको बता दें कि विपक्ष की पटना और फिर बेंगलुरु की बैठक के बाद भी कई मसलों पर राय शुमारी नहीं हो सकी है, लेकिन चुनौतियों से निपटने की तैयारी शुरू कर दी गई है। और यही वजह है कि उम्मीद के मुताबिक अब तक न तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकाला जा सका और न ही पीएम फेस पर सहमति हो पाई है। इतना ही नहीं, अभी तक तो चुनावी कैंपेन पर भी चर्चा नहीं हो पाई। हालांकि विपक्ष ने जो 11 सदस्य पैनल गठित करने का ऐलान किया है, वो इन सारे सवालों के जवाब तलाशेगा और सहमति के लिए फॉर्मूला भी निकालेगा। दरअसल विपक्ष का प्लान है कि वो हर एक सीट पर अपने संयुक्त उम्मीदवार उतारे। विपक्ष की तरफ से एक उम्मीदवार होने से वोट नहीं बढ़ सकेंगे और एनडीए के कैंडिडेट को हराने में आसानी भी हो पाएगी। हालांकि जितना आसान ये दिख रहा है उतना आसान है नहीं, क्योंकि 2014 और 2019 के ट्रैक रिकॉर्ड के मुताबिक एनडीए ने कई सीटों पर 50% से ज्यादा वोट हासिल किए हैं और जीत भी दर्ज की है। वही विपक्ष का कहना है कि हर चुनाव अलग होता है, मुद्दे से लेकर तमाम फैक्टर हार और जीत तय करते हैं। फिलहाल 543 लोकसभा सीटों में अधिकांश सीटों पर एनडीए और इंडिया के बीच मुकाबला होगा। विपक्षी एकजुटता के फॉर्मूले के तहत लोकसभा की 543 सीटों में से 450 सीटों पर एनडीए के खिलाफ एक ही कैंडिडेट उतारे जाने पर विचार किया जाएगा। अगर ये मुमकिन हो पाया तो इन सीटों पर सीधे तौर पर आमने सामने की टक्कर होगी। अब ये तो रहा सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, लेकिन सबसे बड़ी पेच तो अब तक फंसी है और वो है 2024 के चुनाव के लिए लीडरशिप यानी कि विपक्ष का पीएम फेस। कैंपेनिंग प्लान, सीट बंटवारे और पीएम फेस का फैसला करने के लिए 11 सदस्य पैनल का गठन किया जाएगा। इस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि सभी दलों के साथ समन्वय किया जाएगा। दरअसल मुंबई में विपक्ष की अगली बैठक होनी है जिसकी तारीख अभी फाइनल नहीं हुई है और माना जा रहा है कि इसी मीटिंग में 11 सदस्यों की एक कमेटी गठित कर इन सभी पेचों का फैसला किया जाएगा। वही कांग्रेस ने बेंगलुरु की बैठक में भले ही सत्ता हासिल करने के लिए लड़ाई नहीं लड़ने का दावा किया, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस और राहुल गांधी का विपक्षी मोर्चेबंदी में अहम रोल नहीं होगा। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी भविष्य की रणनीति फाइनल करेंगे, जैसे गठबंधन कैसे एनडीए के मुकाबला करेगा और उसका प्लान क्या होगा, गठबंधन कैसे आगे बढ़ेगा, मुद्दे क्या हो सकते हैं और अलग अलग राज्यों में गठबंधन और उम्मीदवार तय करने का फॉर्मूला क्या रहेगा, इन सारे सवालों के जवाब राहुल गांधी भी कमेटी तक पहुंचाएंगे। लोकसभा चुनाव में मोदी बनाम कौन, मोदी के सामने विपक्ष से कौन, चार चेहरे किनमें कितना है दम, क्या विपक्ष दे सकता है मोदी को टक्कर। विपक्षी मोर्चे से प्रधानमंत्री फेस को लेकर लंबे समय से कयासबाजी है। सबसे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम सामने आया था, तब नीतीश कुमार ने साफ बता दिया था कि वो इस रेस में नहीं दौड़ रहे। उसके बाद राहुल गांधी का नाम तेजी से उभर कर सामने आया, लेकिन बेंगलुरु की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी साफ कर दिया कि कांग्रेस इस दौड़ में नहीं है। हालांकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जरूर बेंगलुरु में राहुल गांधी की तरफ इशारा किया और कहा कि वो विपक्ष में सबके पसंदीदा नेता हैं। ममता के इस बयान के बाद राहुल गांधी की दावेदारी पर फिलहाल विराम नहीं लगा। हालांकि आगे की स्थिति सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तय होगी, क्योंकि मोदी सर ने मामले में राहुल को सजा सुनाई गई है और इसे गुजरात हाईकोर्ट ने बरकरार भी रखा है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक नहीं लगाई तो राहुल गांधी अगला चुनाव नहीं लड़ पाएंगे
और उनके पीएम फेस की चर्चाओं पर विराम लग सकता है। इससे पहले शरद पवार और ममता बनर्जी भी अलग अलग बैठकों में ये साफ कर चुकी हैं कि वो पीएम फेस के दावेदार नहीं है। ऐसे में कांग्रेस के पीएम फेस की दावेदारी से पीछे हटते ही टीएमसी एक्टिव मोड में आ गई है। तृणमूल कांग्रेस से सांसद शताब्दी राय ने कहा है, अगर कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम पद की दौड़ में नहीं है तो ममता बनर्जी विपक्ष का प्रधानमंत्री चेहरा होंगी। शताब्दी ने आगे कहा कि हम चाहते हैं कि हमारी नेता और राज्य की सीएम उस पीएम पद तक पहुंचे, लेकिन इसके लिए हमारा अगला कदम कुछ हटकर हो सकता है। सपने देखने या कोई इच्छा रखने में कोई बुराई नहीं है। विपक्ष के सामने क्या होगी चुनौतियाँ? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी विपक्षी मोर्चे में शामिल पार्टियों को सीट देने के मूड में नहीं है। ममता को राज्य में कांग्रेस या लेफ्ट की मौजूदगी मंजूर नहीं है। वो चाहती है कि जो जहां मजबूत है वो वहां से चुनाव लड़े। टीएमसी बंगाल में मजबूत है, इसलिए वो राज्य में चुनाव लड़ेगी। यूपी में विपक्षी गठबंधन की कमान को लेकर भी खींचतान है। सपा वहाँ बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहती है। विपक्षी गठबंधन में शामिल अन्य पार्टियों को टिकट देने के खुद की मंजूरी चाहती है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार चाहते हैं कि एनडीए के खिलाफ संयुक्त तौर पर एक ही उम्मीदवार उतारा जाए। उस पर सहमति कैसे बनेगी, ये बड़ा सवाल बन गया है। कई राज्यों में अभी से खींचतान देखने को मिलने लगी है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में टकराव अभी शांत नहीं हुआ है। दोनों दल दिल्ली और पंजाब में आमने सामने हैं। कांग्रेस में स्थानीय नेतृत्व न दिल्ली में हथियार डालने को तैयार है न पंजाब में। दोनों राज्य का कांग्रेस नेतृत्व आपको दिल्ली अध्यादेश पर समर्थन देने के लिए भी तैयार नहीं था। फिलहाल हाईकमान के फैसले के बाद चुप्पी साधे हुए हैं। वही 11 सदस्यीय समन्वय समिति गठित करने पर सहमति बनी, लेकिन इसके सदस्यों और संयोजक पर निर्णय नहीं हो सका। अब अगली बैठक में इस पर निर्णय होगा। वो 11 सदस्य कौन होंगे, इस पर 26 दलों में सहमति बन पाना कठिन माना जा रहा। हर पार्टी की कोशिश रहेगी कि उसका मेंबर भी पैनल में शामिल हो, लेकिन संख्या निर्धारित होने से ये संभव नहीं हो पाएगा। चूंकि ये पैनल बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, इसी पैनल पर सीट शेयरिंग से लेकर पीएम फेस का नाम तक तय करने की जिम्मेदारी रहेगी। लोकतंत्र में जीत हार पर किसी का बस नहीं चलता, लेकिन पक्ष और विपक्ष की तैयारियों को देखकर आसानी से कहा जा सकता है कि इस बार की लोकसभा चुनाव में कांटे की टक्कर होने वाली है। विपक्ष के इन तमाम रणनीतियों से बीजेपी को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। खैर, आने वाले वक्त में ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि किस पार्टी की रणनीति कितनी काम आई और किस पार्टी की रणनीतियों पर पानी फिर गया।